मैं मोनिका, आज मैं आपको बताने वाली हूँ फूड जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। यानी वेट लॉस की अगर कोई थेरेपी या ऐसे कोई फूड की तलाश में हैं आप, तो आज मैं इस वीडियो में आपकी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगी। हम बात करेंगे खाने ऐसे कौन कौन से हैं, खाने में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे उनको किस तरह से खाना है, विधि क्या होनी चाहिए, कब कब उनका सेवन करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से खाने हैं जिनको हम अपने फूड में शामिल करके हम अपना वेट कम कर सकते हैं। पहले नंबर पे है फ्रूट्स, बशर्ते आपको फ्रूट पूरा खाना है। अगर आप जूस पीते हैं तो वो आपको वेट लॉस के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपके शरीर में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए फाइबर की, तभी आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा। और अगर पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है तो आपको वेट कम करने में काफ़ी आसानी होती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। ये सब खाने अपने डाइट में ऐड करने वाले हैं आप, तो फ्रूट सबसे पहला नाम, जैसा कि मैंने बताया आपको। फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट्स में एप्पल है जिसे आप वेट कम कर सकते हैं, पपाया है, मेलन्स जो होते हैं जैसे वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, ये सब चीज़ें हैं। मतलब ये फ्रूट वो हैं जो वेट कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर पे है वेजिटेबल्स। दोस्तों, अपने खाने में वेजिटेबल्स को ऐड करें। पटेटो की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। अच्छा कैसे होता है, क्योंकि आलू खाने से तो मोटे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये मिथ है, ऐसा नहीं है। आलू को सही तरीके से अगर आप बनाते हैं और अच्छे से खाते हैं तो उससे मोटे नहीं होते हैं। आपको आलू को रोस्ट करके खाना है या आपको पानी में उबाल के खाना है, आपको डीप फ्राई आलू को नहीं खाना है। दोस्तों, स्ट्रांगली मना करते हैं हम इस चीज़ को। आलू एक ऐसी चीज़ है जिससे वेट कम भी होता है और वेट गेन भी होता है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेट गेन करने के लिए आपको कौन कौन से फूड आइटम्स लेने चाहिए। सब्जियों की अगर हम बात करें तो गाजर, लेकिन गाजर को भी आपको छिलके के साथ ही खाना है। दोस्तों, ऊपर का कवर आप निकाल देंगे तो बहुत सारे अच्छे पोषक तत्व उस कवर में चले जाते हैं जो छिलका हम उतारते हैं। आलू को भी, अगर आलू ताजा है, ताजा मतलब बहुत ही नया नया अभी निकाला है जमीन से, उसके बाद ताजा खेती से ताजा आया है, तो आप थोड़ा सा धोए, उसको हाथ से अच्छे से रब करके निकाल दें और उसको ऐसे ही उबाल के या रोस्ट करके खा लें। उसके बाद कोई घी, अगर घी या बटर आलू के साथ आपने खाया ना, तो डेफिनेटली आप मोटे होने वाले हैं। उसके बाद, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। सब्जियों में करेला जो होता है वेट कम करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन करेला कैसे, करेला भी आप वो जो तल के खाते हैं ना वैसे नहीं खाना है आपको। आपको क्या करना है, करेला काट के बनाना है दोस्तों, या करेले को कद्दूकस करके आप आटे में गूंद लीजिए और वो रोटी खाएं। आपको अगर मैं ये बोलूँगी करेले का जूस अगर आप पियेंगे तो वेट काफ़ी स्पीड से कम होता है, तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उससे बेहतर है कि करेले को आप सब्जी बना के ही खा लें। इसके अलावा जो लीव्स वेजिटेबल्स होती है, जैसे मेथी है, पालक है, साग, हरा साग जिसको हम बोलते हैं, बथुआ है, धनिया है, पुदीना है, ये वो चीज़ें हैं जो वेट कम करने के लिए बहुत कारगर चीज़ है। सब्जियों में वेट कम करने के लिए पम्पकिन का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना कि पम्पकिन बनाते हुए ना आपको ज़्यादा खट्टा मीठा नहीं बनाना है। वेट कम कर रहे हैं आप तो आपको नॉर्मल सी सिंपल सी सब्जी बनानी है। अब आप बोलेंगे भी उसमें टेस्ट कैसे ऐड करें, तो दोस्तों पहली बात ये है कि मसाला कम रखा करो। अगर थोड़ा कम स्पाइसी बनाओगे तो कम वैसे ही खाओगे, वेट कम हो जाएगा। चिया सीड्स, दोस्तों चिया सीड्स यानी सब्जा भी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन आसपास की चीज़ें होती है। ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने खुद पे आजमाया हुआ है। ये चिया सीड्स वेट कम करने के लिए बड़ी काम की चीज़ है, आप इसको रोज ले सकते हैं। आपको क्या करना है, चिया सीड्स लीजिए एक स्पून और उसको दूध या पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह उठते ही खाली पेट उसका सेवन करें, आपको ब्रेकफास्ट की आवश्यकता नहीं है। उसमें सफिशियंट मिनरल और पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर में
जाके आपके ब्रेकफास्ट का काम करते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, पेट एकदम भरा हुआ महसूस होता है। तो अगर ऐसा है, आप एक टाइम का ब्रेकफास्ट ही अगर आपने एक हेल्दी चीज से रिप्लेस किया और अच्छे से किया है, तो आपको वेट बढ़ने के डर से ऐसे ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चौथे नंबर पे है स्पाइसेस, मसाले जिसको हम बोलते हैं। मसालों में कौन कौन से मसाले? इलायची, लौंग और कलौंजी जो होती है, ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ मैं आपको। ये आपके लिए वेट कम करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप रेगुलर तरीके से इन मसालों को अपने खाने में ऐड करें और साथ ही साथ मतलब उससे टेस्ट भी बनता है, टेस्ट डेवलप होता है। और अच्छी बात यह है कि ये मसाले खाने से हमारी स्किन भी ग्लो होती है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। नट्स में कौन कौन से नट्स? आप नट्स में आप मूंगफली खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, पिस्ता और काजू हम रिकमेंड नहीं करते हैं। वैसे तो एक लिमिट में अगर आप खा रहे हैं तो कोई मनाही नहीं है, वो फायदेमंद ही होता है, लेकिन आप बादाम और मूंगफली पे कंसंट्रेट करें, बाकी सबको छोड़ दें। उसके अलावा अगला नाम जो मैं लेना चाहती हूँ वो है अलसी। अलसी बहुत ही प्यारी चीज़ होती है दोस्तों। अगर सब्जी की जो ग्रेवी है ना बड़ी पतली सी बन गई है, तो अलसी को पानी में गला के रखिए आधा घंटा और पतला पीस के उसको अच्छे से सिल बट्टे पे या कुंडी डंडे पे पीस के उसकी ग्रेवी में लगा दो। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, बड़ी काम की चीज़ हो जाती है। अलसी को अगर आप दूध में डाल के पीते हैं ना, तो आपको वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको सुबह खाली पेट इसको पीना है और ये बहुत एनर्जी वाली होती है। स्पेशली जो लोग जिम वगैरह जाते हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, फैट को बर्न करके मसल्स में कन्वर्ट करती है। छठा नंबर पे जिस फूड को मैंने रखा है वो है तिल। तिल आप कोई भी खा सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं या सफ़ेद तिल ले सकते हैं। दोस्तों तिल एक ऐसी चीज़ है जिसके लड्डू बना के गुड़ के साथ अगर आप खाएंगे ना, तब भी वेट कम हो जाएगा। जब भी आपको मीठा खाने की तलब लग रही है तो आप तिल के लड्डू खा लें तो अच्छा होगा। और साथ ही साथ तिल का पाउडर बना के रख लें, और जब आपको लग रहा है कि आपको हंगर हंक हो रहा है, मतलब एकदम ऐसे चूहे कूद रहे हैं पेट में, तो एक चम्मच जो तिल का पाउडर आपने बना के रखा है उसको गर्म पानी के साथ पी जाएं। यकीन मानिए बिल्कुल जैसे इसबगोल काम करता है ना, ये वैसे ही काम करता है। लेकिन इसबगोल में कुछ ऐसे पावरफुल इतने तत्व नहीं होते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो तिल होते हैं ना, तिल बहुत अच्छी चीज है। आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, इससे आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी। सातवें नंबर पे जो मैंने रखा है पास्ता का, दोस्तों आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि ये पास्ता कहाँ से आ गया। पास्ता तो वेट बढ़ाता है, डेफिनेटली वेट बढ़ाता है। जिस तरह का पास्ता आप खाते हैं ना और जिस तरह का आप फूड खाते हैं ना, तो मैं चाहे 10 फूड का भी नाम ले दूं, अगर आप अपनी मतलब भूख के हिसाब से अगर खाना नहीं खाएंगे ना, तो कोई भी फूड आपको मोटा कर सकता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने खाने की भूख है, भूख से थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि पेट में जाके ना खाना बहुत ज्यादा हो जाता है, वो पचता है। आप वैसे भी फॉर एग्जाम्पल एक रोटी लीजिए, उसको दूध में या पानी में गला के रख दीजिए, थोड़े समय बाद आप महसूस करेंगे कि वो फूल के दुगना हो गया है। तो आप देखिए पेट में भी जाके ऐसा ही होता है खाना, तो आप उस चीज का ध्यान रखें। पास्ता आपको सिंपल से पानी में उबालना है, उसके बाद दूध की ग्रेवी बनाइए। ये चीज और ये पता नहीं क्या तमाम चीजें सॉस वगैरह जो डालते हैं ना, ये नहीं डालने आपको। ग्रीन वेजिटेबल्स मिक्स कीजिए, सिंपल सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें आप, बहुत अच्छा पास्ता और वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पास्ता प्रोटीन और कार्ब्स का मिश्रण होता है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। एग्स, दोस्तों एग्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए अगर आप प्योरली सिर्फ वेट रिडक्शन की तरफ है और ज्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो व्हाइट पार्ट खाना है आपको। अगर आप जिम वगैरह जा रहे हैं तो आपको पूरा एग खाना है, क्योंकि आपको मसल्स को स्ट्रेंथ भी देनी है। और अगर जिम वगैरह नहीं जा रहे हैं, सिंपल वॉक ही कर रहे हैं, तो आपके लिए एग का व्हाइट पार्ट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, तो अच्छा हो जाएगा। ये भी एक ब्रेकफास्ट में ऐड कर लें, आपके लिए अच्छा है। लेकिन बॉइल्ड एग, ये जो फुल फ्राई करके खाते हैं ना आप दो ब्रेड के बीच में रख के, वो फायदा नहीं करेगा, तो आपको बॉइल करके ही एग खाना है। फिश तरह तरह की होती है, छोटी छोटी जो फिश होती है ना, वो बड़ी मजेदार होती है, क्योंकि फिश वैसे ही छोटी सी होती है और उसमें उसके हजारों तरह के कांटे हो जाते हैं, तो कांटे निकालते निकालते आधी भूख मर जाती। तो मुझे ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा सही लगता है फिश वाला, छोटी सी फिश दे देंगे और फिर एक तो इतना सा टुकड़ा देते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि कांटे भी निकालो, और कांटे भी इतने बारीक होते हैं ना कि बंदे की भूख वैसे ही मर जाए। तो फिश
बहुत अच्छा एक तरीका है आपके लिए। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो रोज के खाने में फिश ऐड करें, लेकिन बदल बदल के बनाएं दोस्तों। एक ही चीज अगर ज्यादा समय तक खाते रहेंगे ना तो आप बोर हो जाएंगे, कुछ मजा नहीं आएगा। 6-7 दिन आप ये सब चीजें ऐड कर लेंगे, उसके बाद आप बोर होके वही स्पाइसी खाना, ज्यादा तेल वाला खाना, ज्यादा घी वाला खाना वो खाने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, वेट कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप कोई अन्य एक्सरसाइज या ऐसा कोई और फूड या कोई ऐसी रेसिपी पता है आपको जिसे वेट कम किया जा सकता है तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।